Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back to my channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your biology mentor. So now we discuss about very important and interesting unit of the 11th NCERT that is the plant physiology. So in this particular unit, we detail discuss about each and every chapter which contain in this unit. So I hope you all enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and the box section of my channel. So please go through the box section of my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you all appreciated me. So watch the video and keep support. So hello friends. So we start today's topic. So today's topic is long distance transport of water. कि मतलब water का transport इतने long distance में कैसे होता है? तारीख की सारी चीजें details और interesting manner में इस video पे मैं आपको बताऊंगा. So first period for written in NCERT textbook after that elaborate each and everything simple and easy. But so let's begin without wasting any time. So क्या long distance transport of water? So देखते हैं क्या लिखा है. At some earlier stage. At some earlier stage, you might have carried out an experiment. आपने पहले एक्सपेरिमेंट किए होंगे. कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए होंगे? आपने एक्सपेरिमेंट एक किया होगा कि आपने एक ट्यूंग लिया होगा, वाइट बीरिंग यानी ट्यूंग जिसमें फ्लावर हो, है ना, कैसा हो, वाइट फ्लावर हो, ठीक है, इन ए कलर वाटर, और पानी लिया होगा, ठीक है, और उसमें क्या देखा होगा, हेड वॉच इन टर्न कलर, और कुछ समय बाद देखा होगा कि जो व्हाइट कलर था वो कैसा हो गया, व्हाइट फ्लावर जो था वो कलर्ड हो गया, है ना, व्हाइट फ्लावर क्या हो गया, कलर्ड हो गया. तो हम बेसिकली इसमें क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ना, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हम देख रहे हैं. तो इसी वजह से सारे एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं कि एक ट्विंग वीनिंग व्हाइट फ्लावर लिया होगा, उसको पानी लिया होगा उसमें, और उसको कुछ समय बाद देखा कि वो कलर्ड हो गया, ठीक है. अब कलर्ड क्या हो गया, तो उसके एग्जामिन करने के लिए कि कलर्ड क्यों हो गया, उसको एग्जामिन करने के लिए क्या बताया गया यहाँ पे हमको, ऑन एग्जामिन द कट इंड एट द ट्विंग आफ्टर ए फ्यू हावर, है ना, आप उस जो ट्यूंग है उसको एग्जामिन करने के लिए, इसका परीक्षण करने के लिए कुछ समय बाद उसको काटो, तो उसमें क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि रीजन थ्रू विच कलर्ड वाटर मूव्ड, है ना, कि वहाँ से कलर्ड वाटर आ रहा है, निकल रहा है, आप वो रीजन देखेंगे, है ना. डेट एक्सपेरिमेंट वेरी इजिली डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये एक्सपेरिमेंट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द वास्कुलर बंडल, है ना, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, वास्कुलर बंडल वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू वास्कुलर बंडल के द्वारा, तो उसका मूवमेंट हम देखने के लिए कि वाटर का पाथ क्या है ना वास्कुलर बंडल में, कि वास्कुलर बंडल में जाइलम जो होता है वो वाटर का कंडक्शन कराता है ना, वाटर का कंडक्शन जाइलम के थ्रू होता है, तो उसको पाथ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, उसके पाथ को समझने के लिए सारी की सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, ठीक है. मोर स्पेशली इसमें मोर स्पेशली वास्कुलर बंडल तो बोल दिया गया, पर वास्कुलर बंडल में कौन, जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं, इसमें क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं, बट वाटर का कंडक्शन जो करता है जाइलम करता है, इसी वजह से बोला है मोर स्पेसिकली जाइलम, है ना. नाउ वी हैव गो फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर सबस्टेंट अप टू प्लांट, है ना. अब इसमें क्या है, अब हम और आगे देखेंगे, है ना, और आगे अंडरस्टैंड करेंगे मैकेनिज्म ऑफ वाटर मूवमेंट, कि वाटर का मूवमेंट का मैकेनिज्म क्या होता है, और अदर सबस्टेंट ऑफ ए प्लांट, और एक सबस्टेंट में वाटर का मूवमेंट और अदर सबस्टेंट जो होते हैं मूव होते हैं किस टाइप से होते हैं, सारी की सारी चीज़ें आगे देखेंगे, ये बताया गया हमको. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंट, है ना, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है सबस्टेंट का वो कैसे होता है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सबस्टेंट विद इन ए प्लांट कैन नॉट बी बाई डिफ्यूजन ओनली, है ना, डिफ्यूजन के द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, कि सिर्फ डिफ्यूजन ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है. क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो डिफ्यूजन होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन इज वेरी स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और एक ऐसा प्रोसेस होता है पैसिव प्रोसेस होता है, ये बात याद रखेंगे, पैसिव प्रोसेस होता है, स्लो होता है, ठीक है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी इसमें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ें जाती हैं, कैसी जाती हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ें जाएंगी, ठीक है. इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, ये सिर्फ क्या करता है शॉर्ट डिस्टेंस मॉलिक्यूल का मूवमेंट कराता है ना, डिफ्यूजन से सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ही मॉलिक्यूल मूव कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, एग्जांपल के लिए हमको बताया गया है द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल क्रॉस ए टिपिकल प्लांट सेल, है ना, एक मॉलिक्यूल जो टिपिकल प्लांट सेल का दिखाया गया कितना अबाउट 50 माइक्रोमीटर की हाइट को, है ना, हाइट को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 2.5 सेकंड ले रहा है, तो हमको पूछा गया है एट दिस रेट
इस रेट से यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर इट वुड टेक फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ओवर द 1 मीटर विद इन प्लांट बाई डिफ्यूजन अलॉन्ग, है ना। यानी 50 माइक्रोमीटर ट्रेवल करने के लिए 2.5 सेकेंड ले रहा है, तो 1 मीटर के लिए कितना लेगा, 1 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हम लोग देंगे, इसका आंसर देंगे लगभग 2 ईयर, है ना, अप्रॉक्स टू ईयर लगेगा, है ना, अप्रॉक्स 2 ईयर, 2 साल लगेगा डिफ्यूजन के द्वारा वाटर का मूवमेंट कराने में 1 मीटर हाइट में। अब 1 मीटर हाइट में वाटर का मूवमेंट कराने वाले डिफ्यूजन में 2 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, तो अगर 10 मीटर है तो भाई ज़िंदगी निकल जाएगी, पानी नहीं पहुंच पाएगा वहां तक जहां पे ज़रूरत है, ठीक है। तो यहां पे डिफ्यूजन फेल है, ठीक है। द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑप्टन सबस्टेंस हैव टू मूव अक्रॉस ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, है ना। जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, सबस्टेंट का मूवमेंट होता है बहुत लार्ज डिस्टेंस में होता है, बहुत ऊंचाई तक जाते हैं चीज़ें, सबस्टेंट का मूवमेंट होता है, ये बात याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या है, समटाइम द साइट ऑफ प्रोडक्शन, कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ें बनती हैं साइट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, जहाँ पे चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो डिफ्यूजन और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे काम नहीं करेगा, वहाँ पे डिफ्यूजन और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट काम नहीं कर पाएगा, डिफ्यूजन एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट वुड नॉट सफिस, वहाँ पे डिफ्यूजन और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट फेल है, ठीक है। आगे क्या है, स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके लिए क्या है, स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, है ना, किसकी ज़रूरत होती है, स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है जो कि नेसेसरी है सबस्टेंट को मूव कराने में लॉन्ग डिस्टेंस में, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस सबस्टेंट को मूव कराने के लिए स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो कि चीज़ों को मूव कराता है लॉन्ग डिस्टेंस में फास्टर रेट पे, है ना, कैसे, फास्ट रेट पे चीज़ों को मूव कराएगा। आगे क्या है, वाटर एंड मिनरल, जो वाटर और मिनरल होते हैं और फूड होते हैं, वाटर मिनरल फूड जनरली मूव बाई किसके द्वारा मूव होता है, ए मास और बल्क फ्लो सिस्टम, है ना, वाटर मिनरल फूड जो मूव होते हैं मास और बल्क फ्लो सिस्टम के थ्रू होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वाटर मिनरल और फूड जो होते हैं किसके थ्रू मूव होते हैं, तो बोलेंगे मास और बल्क फ्लो सिस्टम के थ्रू, ठीक है। आगे क्या है, मास फ्लो इज मूवमेंट ऑफ सबस्टेंट इन बल्क, जो मास फ्लो होता है वो चीज़ों को सबस्टेंट का मूवमेंट कराता है किसमें, बल्क में यानी झुंड में, है ना, बल्क में चीज़ों का मूवमेंट कराएगा मास फ्लो सबस्टेंस, ठीक है। 1.2 अनदर पॉइंट, एक स्थान से दूसरे स्थान में चीज़ों का मास फ्लो मूवमेंट कराएगा, किस फॉर्म में, बल्क के फॉर्म में, ठीक है। ये क्या होता है, जब चीज़ों का दो चीज़ों के बीच में मूवमेंट होगा, दो जगह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूवमेंट होगा, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, तो टू पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे क्या, कंसंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए और प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस होगा वहाँ पे, तभी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव हो पाएंगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चीज़ें जा पाएंगी, ठीक है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो डेट सबस्टेंस वेदर इन ए सोल्यूशन और सस्पेंशन वी स्वेप्ट अलोंग द सेम पेस इन ए फ्लोइंग रिवर, है ना। तो ये मास फ्लो में क्या होता है, मास फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि जो सबस्टेंस होते हैं सोल्यूशन और सस्पेंशन में, ऐसे मतलब बहते हैं, ऐसे होते हैं कि जैसे हम नदी में देखते हैं ना, नदी में क्या हुआ, पानी में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, बहुत सारे मटेरियल, स्टेटी मटेरियल पड़े होते हैं, पॉलीथीन पड़े हुआ है, रबर पड़ी हुई है, तो वो ऐसे फ्लो करते हैं पानी के साथ में, उसी तरीके का यहाँ पे भी होता है, जो मास बल्क फ्लो में चीज़ें ऐसे सबस्टेंस फ्लो करेंगे जैसे फ्लोइंग रिवर की तरीके, ठीक है, समझ गए होंगे आप। दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन वेयर डिफरेंस सबस्टेंस मूव इंडिपेंडेंट डिपेंड ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे डिफ्यूजन, जैसे डिफ्यूजन में क्या था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव हो रही थी, तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, अनलाइक डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन की तरीके, वेयर जहाँ पे सबस्टेंस मूव इंडिपेंडेंट मूव कर रहे थे, सबस्टेंस एक दूसरे से बिना डिपेंड होकर मूव कर रहे थे, देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या था, हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ें जा रही थी, है ना। आगे क्या है, बल्क फ्लो कैन बी अचीव आइदर थ्रू ए पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट, है ना, जो बल्क फ्लो होता है वो
पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू होता है। उसका एग्जांपल क्या दिया गया, गार्डन हाउस। गार्डन हाउस जो होता है यानी बगीचे में जो पेड़ों को सींचते हैं, वो पानी देते हैं जिस पाइप से, उसको टुल्लू पंप बोलते हैं, गार्डन हाउस बोलते हैं। तो वो एग्जांपल है पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट का, ठीक है। और निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट का एग्जांपल क्या बताया गया हमको यहाँ पे, निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट का एग्जांपल हमको यहाँ पे बताया गया है सक्शन। सक्शन थ्रू स्ट्रॉ है ना, जब हम स्ट्रॉ से यानी स्ट्रॉ से हम कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, तो उसमें एक सक्शन प्रेशर लगता है, हम चीज़ों को खींचते हैं, खींचते हैं तो एक निगेटिव प्रेशर टेंशन डेवलप होती है स्ट्रॉ में और चीज़ें आ जाती हैं उसी में, ठीक है, स्ट्रॉ में आ जाती हैं। तो वो क्या है, निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का क्या एग्जाम्पल, सक्शन प्रेशर, सक्शन थ्रू स्ट्रॉ, ठीक है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट का क्या है, गार्डन हाउस एग्जाम्पल याद कर लेंगे, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। द बल्क मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस है ना, द बल्क मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस थ्रू द कंडक्टिंग ऑफ ए वास्कुलर टिश्यू इन ए प्लांट कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो इसमें क्या बताया गया, जो बल्क मूवमेंट होता है सबस्टेंस का, सबस्टेंस का बल्क मूवमेंट होता है थ्रू कंडक्टिंग वास्कुलर टिश्यू। कंडक्टिंग वास्कुलर टिश्यू क्या हुए, हमारे जाइलम और फ्लोएम हुए, क्या हुए, जाइलम और फ्लोएम हुए। ये चीज़ों को कंडक्ट करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजेंगे, इसलिए इसको कंडक्टिंग वास्कुलर टिश्यू बोला गया। तो इसके द्वारा अगर चीज़ों का कंडक्शन होता है तो क्या उसको बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे चीज़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना वास्कुलर टिश्यू के द्वारा यानी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जाना, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, ठीक है। आगे क्या है, डू यू रिमेंबर स्टडिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ ऑफ हायर प्लांट एंड स्टडिंग द वास्कुलर सिस्टम है ना। इसमें हमसे बोल रहे हैं कि आपने स्टडी किया होगा, देखा होगा रूट की, स्टेम की और लीफ की क्रॉस सेक्शन, हायर प्लांट्स के रूट की, स्टेम की, लीफ की क्रॉस सेक्शन के बारे में आपने स्टडी किया होगा और वास्कुलर बंडल, वास्कुलर सिस्टम के बारे में देखा होगा, तो बोलेंगे हाँ यस, वास्कुलर सिस्टम क्या होते हैं, जाइलम और, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इन हायर प्लांट्स हैव हाईली स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू, हायर प्लांट में क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू होते हैं, हायर प्लांट में क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज वास्कुलर टिश्यू होते हैं, वास्कुलर टिश्यू क्या बताया, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। जाइलम का नाम दूसरा एक और नाम होता है, जाइलम का एक और नाम क्या होता है, हाइड्रोम, क्या होता है, हाइड्रोम, हाइड्रोम जाइलम का नाम होता है, हाइड्रा वाटर से रिलेटेड करते हैं क्योंकि ये वाटर का कंडक्शन करता है, इसलिए इसका नाम हो गया हाइड्रोम। जाइलम का नाम क्या हो गया, हाइड्रोम, और फ्लोएम का नाम क्या हो गया, लेप्टोम, क्या हो गया, लेप्टोम, फ्लोएम का नाम क्या हो गया, लेप्टोम, ठीक है। जाइलम को हाइड्रोम और फ्लोएम को लेप्टोम बोलते हैं। जाइलम इज एसोसिएटेड विद, जाइलम क्या करता है, एसोसिएट होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, किससे जुड़ा हुआ है, जाइलम क्या करता है, जाइलम एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर मिनरल साल्ट। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मेनली जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, यानी जाइलम मेनली क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो हम बोलेंगे मेनली वाटर और मिनरल साल्ट, है ना। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो हम बोलेंगे जाइलम क्या करता है, वाटर, मिनरल साल्ट और सम ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ये बात याद रखेंगे। अगर मेनली पूछा जाए तो वाटर, मिनरल साल्ट बोलेंगे, अगर पूछेगा क्या क्या और ट्रांसपोर्ट करता है, तो सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स, ठीक है, जो कि जाइलम ट्रांसलोकेशन करता है, ट्रांसलोकेट करता है यानी कंडक्ट करता है, ठीक है। कहाँ से कंडक्ट कर देगा, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी रूट से एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट यानी लीफ तक, है ना, आगे स्टेम में तब ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। द फ्लोएम, जो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, इसके नाम से पता चला है, फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फूड, क्या करेगा, फूड, है ना, फूड का ट्रांसलोकेशन करेगा। फ्लोएम ट्रांसलोकेट ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, है ना, ये क्या हो गए, फूड हो गए, भोजन है ये, ठीक है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट मेनली फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, कहाँ से, लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, फूड वहीं पे बनता है ना, लीफ में ही फूड बनेगा, तो लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में जाएगा। अब आगे क्या दिया गया है, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, है ना। अब हमको ये तो पता हो गया कि वाटर कंडक्ट कैसे होता है, बट वाटर एब्जॉर्ब कैसे होगा, एब्जॉर्ब होगा तभी कंडक्ट होगा, है कि नहीं, तो ये देखते हैं क्या है, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कैसे करता है, ठीक है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि डैट रूट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर एंड गोज इन टू प्लांट्स, है ना, हमको ये पता है कि रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, रूट पानी को एब्जॉर्ब करता है ना, और वो फिर
प्लांट में भेजता है। ऑब्वियसली इसी वजह से क्या करते हैं, रूट पानी को ऑब्जर्व करता है, इसी वजह से जो हम पौधों में पानी देते हैं वो जमीन में देते हैं, है ना। इसी वजह से हम पानी अप्लाई करते हैं पौधों में, वो सॉइल में करते हैं, ना कि उसकी लीफ में, है ना, ना कि प्लांट की लीफ में हम पानी डालते हैं। पानी हम लीफ में डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्लांट, जब तक हम उसमें सॉइल में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक प्लांट वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूट होती है सॉइल के अंदर, तो पानी तभी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, आगे क्या है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज मोज स्पेशली द फंक्शन ऑफ रूट हेयर, है ना। रूट तो वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये हमको पता है। द रिस्पॉन्सिबल ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल मोर स्पेशली फंक्शन ऑफ रूट हेयर, रूट में क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा में, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा में, रूट के केस में एपिब्लेमा बोलते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, क्या है, ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, ये फंक्शन होता है रूट हेयर का, जो कि कितनी संख्या में होते हैं, मिलियन की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख, है ना, 1 मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख, एट द टिप ऑफ द रूट, रूट की टिप में प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर आर थिन वाल्ड, रूट हेयर जो होते हैं कैसे होते हैं, थिन वाल्ड होते हैं, और सिलेंडर एक्सटेंशन, सिलेंडर की तरीके एक्सटेंशन होता है, यानी ऐसे ऐसे एक्सटेंशन होंगे, ऐसे ऐसे एक्सटेंशन होंगे, सिलेंडर की तरीके एक्सटेंशन होंगे, कहाँ से, ऑफ रूट एपिडर्मल, है ना, रूट की एपिडर्मल सेल से सिलेंडर एक्सटेंशन होंगे, और ये कैसे थिन वाल्ड होते हैं। अब एक क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि रूट हेयर जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं, तो हम एक ट्रिक में आपको बताया था मॉर्फोलॉजी में कि जो रूट हेयर होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, आर से रूट, यू से यूनिसेलुलर, यानी रूट हेयर हो गए यूनिसेलुलर, एस से स्टेम, स्टेम के हेयर होंगे मल्टीसेलुलर होंगे, स्टेम के हेयर कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। ये ट्रिक मैंने बताई थी, कौन सी ट्रिक, रस्म, रस्म ट्रिक से याद रखेंगे, रूट हेयर जो होंगे रूट के यूनिसेलुलर होंगे, स्टेम के मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, ये थिन वाल्ड होते हैं, सिलेंडर एक्सटेंशन होते हैं, एपिडर्मल से, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये रूट हेयर क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, रूट हेयर का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। वाटर इज एब्जॉर्ब अलॉन्ग विथ मिनरल सॉल्यूट बाई रूट हेयर, वाटर जो होता है एब्जॉर्ब होता है मिनरल सॉल्यूट, वाटर और मिनरल सॉल्यूट जो एब्जॉर्ब होते हैं वो किसके थ्रू द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं बाई डिफ्यूजन, है ना, बाई प्योर डिफ्यूजन। कौन सा डिफ्यूजन होगा, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, यानी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, है ना, जो रूट हेयर चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल को, किसके द्वारा करता है, डिफ्यूजन के द्वारा करता है, ये बात याद है। तो क्या होगा, इट कैन मूव डीपर इनटू रूट लेयर, और फिर ये क्या, रूट लेयर की रूट में और उसके अंदर जाएगा, यानी रूट लेयर में जाएगा, और फिर इसमें दो डिस्टिंक्ट पाथवे में कन्वर्ट हो जाएगा, दो डिस्टिंक्ट पाथवे मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाथवे में। कौन वो डिफरेंट पाथवे कौन कौन से हैं, पहला पाथवे हमको दिया गया एपोप्लास्ट, कौन सा पाथवे दिया गया है, एपोप्लास्ट, और दूसरा क्या दिया गया, सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट जो होता है ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, और कैसा प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, और सिम्प्लास्ट यानी इसके नाम में यस आया तो ये कैसा प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस होगा, और कैसा होगा, लिविंग होगा। ये इस एपोप्लास्ट नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, क्यों है, सारी की सारी चीज़ें बताएंगे, सिम्प्लास्ट स्लो है और लिविंग है, क्यों है, सारी की सारी चीज़ें आगे चल के बताऊंगा आपको मैं। तो देखते हैं एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट सिस्टम में क्या होता है, एपोप्लास्ट सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल डेट इज कंटिन्यूअस थ्रू द प्लांट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एपोप्लास्ट सिस्टम होता है वो सेल वॉल के एडजेसेंट होता है, यानी पड़ोस वाली सेल को एडजेसेंट, यानी पड़ोस वाली सेल से जुड़ा हुआ होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ डायग्राम में भी। द एपोप्लास्ट सिस्टम एडजेसेंट ऑफ सेल वॉल डेट इज कंटिन्यूअस थ्रू द प्लांट, जो कि प्लांट में कंटिन्यूअस होता है, एक्सेप्ट द कैस्पेरियन स्ट्रिप, यानी कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है, ये सुबेरिन की बनी हुई होती है, किसकी, सुबेरिन की बनी हुई होती है, ये सुबेरिन की बनी हुई होती है, इससे वाटर पास नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्ट कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाई जाती है, एंडोडर्मिस ऑफ रूट में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाई जाएगी, एंडोडर्मिस ऑफ रूट में पाई जाएगी, रूट की एंडोडर्मिस में पाई जाएगी, ठीक है। फिगर दिखाया गया 11.6 में, फिगर बाद में देखेंगे, पहले टेस्ट में देखते हैं क्या है। एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स, एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होता है वाटर का वो किसके थ्रू होता है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल ऑफ द सेल, है ना, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू होगा और वॉल ऑफ द सेल, यानी सेल की वॉल में होगा और इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू होगा एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या है, मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट, है ना, मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉस द
सेल मेम्ब्रेन है ना, मूवमेंट जो होता है एपोप्लास्ट में, इसमें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, इस वजह से क्या होगा, ये मूवमेंट फास्ट होगा, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आता, इस वजह से मूवमेंट ये फास्ट होता है, एपोप्लास्ट होता है, फास्ट मूवमेंट होता है। द मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट, और ये जो सॉरी ये दिस मूवमेंट इज डिपेंड ऑन ग्रेडियंट, ये जो मूवमेंट डिपेंड होता है ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, यानी हायर कंसंट्रेशन से चीजें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी, है ना। द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट, है ना, एपोप्लास्ट में क्या होता है, कोई बैरियर नहीं होता है, एपोप्लास्ट में कोई बैरियर नहीं होता है वाटर के मूवमेंट में, और क्या होता है, वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो, और वाटर का जो मूवमेंट होता है किसके थ्रू होता है, मास फ्लो के थ्रू होता है ना, वाटर का मूवमेंट होगा मास फ्लो के थ्रू होगा एपोप्लास्ट में, कि एपोप्लास्ट में वाटर के मूवमेंट में कोई बैरियर नहीं होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, इसी वजह से ये फास्ट है, ठीक है। वाटर एज वाटर इवेपोरेट इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, एज वाटर इवेपोरेट इंटरसेलुलर स्पेसेस टू द एटमोसफियर, टेंशन डेवलप कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जब वाटर इवेपोरेट होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस से, है ना, वाटर इवेपोरेट होगा इंटरसेलुलर स्पेसेस से एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, वहाँ पे टेंशन डेवलप हो जाएगी। अब वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, एक टेंशन डेवलप होगी, वाटर की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, टेंशन कहाँ पे डेवलप हो जाएगी, एपोप्लास्ट में, एपोप्लास्ट में निगेटिव आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर टेंशन डेवलप हो जाएगी एपोप्लास्ट में, हिंस क्या है, मास फ्लो वाटर रकस ड्यू टू द एडेसिव, है ना, और फिर इसमें वाटर में क्या होगा, एपोप्लास्ट में क्या होगा, टेंशन डेवलप हो जाएगी। टेंशन क्यों डेवलप होगी, उसके पीछे का रीजन ये है कि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस टू एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर इंटरसेलुलर स्पेसेस में इवेपोरेट हो जाएगा, टेंशन डेवलप हो जाएगी, टेंशन डेवलप इट कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट, और फ्यू लगातार वो टेंशन डेवलप होती रहेगी, हेंस द मास फ्लो ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू द, मास फ्लो होता है वाटर का ड्यू टू द, क्यों होता है, एडेसिव एंड कोसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर में एडेसिव और कोसिव प्रॉपर्टी होती हैं, कैसी प्रॉपर्टी होती हैं, एडेसिव मतलब इसमें डिफरेंट चीज़ों के बीच में होगा ये एडिशन, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बीच में होगा, और कोसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, कोसिव प्रॉपर्टी का मतलब होगा इसमें सेम मॉलिक्यूल होंगे, क्या होगा, सेम चीज़ के बीच में होगा, सेम चीज़ के बीच में होगा, ये होगा कोसिव और एडेसिव प्रॉपर्टी होती वाटर की, ठीक है। इसका मैं फिगर आपको दिखाता हूँ, ये फिगर जो है ये पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट ऑफ रूट है ना, यहाँ पे वाटर मूवमेंट पाथवे है रूट में, इसमें क्या है, ये एपिडर्मिस होती है बाहर की, उसके बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, फिर इंडोडर्मिस होता है, इंडोडर्मिस में क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, उसके बाद क्या होता है, पेरिसाइकिल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है ये कहाँ से होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस से होता है, ये जो एरो दिखाए गए हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस से होता है, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है, ये वाल को, सेल मेम्ब्रेन की वाल को क्रॉस नहीं करती है, और ये जो एरो दिखाई गई है ये कैसे सिम्प्लास्टिक मूवमेंट की हैं, कैसी हैं, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट की एरो दिखाई गई हैं। और ये प्लाज्मोडेसमेटा जो होते हैं, प्लाज्मोडेसमेटा क्या करते हैं, ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्लाज्मोडेसमेटा क्या कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं दो सेल के बीच में, उनके बीच में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एपोप्लास्ट मूवमेंट, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हो रहा है, यहाँ पे अब क्या हुआ, कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, तो यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप से वाटर पास नहीं हो पाता, तो उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली ये एपोप्लास्ट वाला भी इंटर यहाँ पे सेल में आ गया, सेल की तरफ मूव कर गया, और अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पे सिम्प्लास्टिक ही होता है वाटर का मूवमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद पेरिसाइकिल हुई, पेरिसाइकिल के बाद क्या हुआ, जाइलम में चला गया वाटर, और फिर प्लांट को नीड के हिसाब से पानी आगे चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे क्या बताया गया हमको, वाटर की जो होती है इसमें कोसिव और एडेसिव प्रॉपर्टी होती है वाटर में, उसकी वजह से क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है, द सिम्प्लास्टिक सिस्टम, सिम्प्लास्टिक में क्या होता है, सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट नेवर्जिंग सेल, है ना, जो सिम्प्लास्टिक सिस्टम होता है इसमें सेल के इंटर कनेक्शन होते हैं, बीच में कनेक्शन होते हैं, प्रोटोप्लास्ट दो सेल के बीच का प्रोटोप्लास्ट कनेक्ट होता है थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, है ना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पाए जाएंगे, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कहाँ से बनते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बोलेंगे हम कहाँ से बनेंगे, प्लाज्मोडेसमेटा से बनेंगे। ड्यूरिंग द सेम प्लास्टिक मूवमेंट, है ना, सेम प्लास्टिक मूवमेंट के द्वारा क्या होता है, द वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल एंड देयर साइटोप्लाज्म, सिम्प्लास्टिक में क्या होगा, वाटर जो ट्रेवल्स होगा सेल से और उसके साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन होकर जो प्लाज्मोडेसमेटा करते हैं, प्लाज्मोडेसमेटा क्या करते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन नाइवर्जिंग सेल, यानी दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, उसके बीच में आदान प्रदान चीज़ों का कराएंगे, एक स्थान से चीज़ें दूसरी सेल में जाएंगी, उसमें क्या होंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि प्लाज्मोडेसमेटा से बनते हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या है, इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेसमेटा, और जो इंटरसेलुलर मूवमेंट होता है, यानी इंटर का मतलब होता है बिटवीन द सेल, है ना, यानी सेल के बीच में जो मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, प्लाज्मोडेसमेटा के थ्रू होगा, ये बात याद रखेंगे। वाटर हैज
टू इंटर द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में क्या होगा, वाटर को सेल के अंदर इंटर करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। अब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा कोई चीज़ तो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस आएगा तो मतलब उसका मूवमेंट क्या होगा, स्लो हो जाएगा। इसी वजह से सिम्प्लास्ट का मूवमेंट क्या होता है, स्लो होता है। यहाँ पे वाटर स्लो मूवमेंट पे होता है, बट ये सेल टू साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करा तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, लिविंग प्रोसेस हुआ, ये बात हमको पता है। ठीक है, आगे क्या है, हेंस मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोवर, इस वजह से ये मूवमेंट होता है स्लो होता है, बट एपोप्लास वाला मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है। मूवमेंट इन अगेंस्ट डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्या होता है, मूवमेंट जो होता है अगेंस्ट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ठीक है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो होता है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग। जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है इसको, ये किस में हेल्प करता है, साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग में हेल्प करता है ना, साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग में हेल्प करेगा। तो यू मे ऑब्जर्व साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग आपने देखा होगा कहाँ पे, लीफ ऑफ हाइड्रिला है ना, हाइड्रिला की लीफ में आपने साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग देखा गया होगा। ये एग्जांपल है, ये हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रिला की लीफ में क्या होता है, तो हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग ऑब्जर्व की जाती है। तो क्या होता है, अब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्टीमिंग है ना, इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्टीमिंग इजिली विजुअल, यानी आप हाइड्रिला की लीव में क्या देखेंगे, हाइड्रिला की लीव में साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग देखेंगे और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता है ड्यू टू स्टीमिंग, हाइड्रिला की लीव में आप इजिली विजुअल कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं किसकी लीव में, हाइड्रिला की लीव में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे नाम इसका। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया है, मोस्ट ऑफ द वाटर, जो मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन रूट अकर्स बाई एपोप्लास्ट है ना, जो ज़्यादातर वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर का फ्लो होता है रूट में किसके थ्रू होता है, वो किसके थ्रू होता है, एपोप्लास्ट के थ्रू होता है ना। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन रूट अकर्स बाई एपोप्लास्ट है ना, सिंस द कॉर्टिकल सेल आर लूजली पैक्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कॉर्टिकल सेल जो होती हैं कैसे लूजली पैक्ड होती हैं रूट में, वाटर का मोस्ट ऑफ द वाटर जो फ्लो होता है एपोप्लास्ट के थ्रू होता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो कॉर्टिकल की सेल होती हैं वो लूजली पैक्ड हो जाती हैं, उसके लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, आसानी से वो निकल जाता है पानी। ठीक है, हेंस ऑफन नो रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे इसलिए क्या है, लूजली पैक्ड है तो वहाँ पे क्या, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा टू वाटर के लिए, वाटर के लिए जाने में क्रॉस करने में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसीलिए क्या होता है, ये फास्ट होता है ना। हाउएवर द इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स है ना, इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स क्या होती है, इंडोडर्मिस होती है, इस बात को याद रखेंगे। सबसे पहले क्या आती है, इपिडर्मिस आती है, फिर क्या आता है, कॉर्टेक्स आता है, फिर क्या आता है, इंडोडर्मिस आता है, फिर क्या आता है, पेरिसाइकिल आता है, पेरिसाइकिल के बाद वास्कुलर बंडल, वही जाइलम ऑफ फ्लोएम जो होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, यही बताया गया है, द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स के अंदर जो क्या होता है, इंडोडर्मिस होता है, इंडोडर्मिस इज इम्परमीबियस, इंडोडर्मिस होती है क्या होती है, इम्परमीबियस टू वाटर, इम्परमीबियस होती है वाटर, यानी इससे वाटर परमिसिबल नहीं होगा, वाटर पास नहीं होगा, बिकॉज क्यों इम्परमीबियस होती है, बिकॉज ऑफ द बैंड, इसमें क्या होता है, सुबेराइज मैट्रिक्स का एक बैंड होता है, क्या होता है, सुबेराइज मैट्रिक्स का एक बैंड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 2017 यूनिट में आया था क्वेश्चन यहाँ से, और आता रहता है, अक्सर हर साल आता रहता है क्वेश्चन, एक दो साल छोड़ के क्वेश्चन आता है कि इंडोडर्मिस ऑफ रूट में क्या पाया जाता है, तो बोलेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, जो कि वाटर को परमिसिबल नहीं करती, यानी वाटर को पास होने नहीं देती है, इम्परमीबियस होती है वाटर के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल आर अनेबल टू पेनेट्रेट द लेयर, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं इस लेयर को क्या पेनेट्रेट नहीं कर पाते हैं, अनेबल टू पेनेट्रेट दिस लेयर। ठीक है, सो दे आर डायरेक्टेड टू वॉल रीजन, और फिर क्या हुआ, ये वॉल रीजन की तरफ मुड़ जाते हैं, डायरेक्टेड हो जाते हैं, वॉल रीजन की तरफ क्या हो जाते हैं, डायरेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या है, नॉट सुपरराइज, जहाँ पे कोई सुपरराइज की लेयर नहीं है, यानी कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, वहाँ की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल डायरेक्टेड हो जाते हैं, इनटू द सेल, फिर वो क्या सेल में चले जाते हैं, प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन है ना, फिर वो थ्रू प्रॉपर मेम्ब्रेन के थ्रू चले जाएंगे, यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चले जाएंगे। सो क्या हुआ, द वाटर देन मूव थ्रू सिम्प्लास्ट, वाटर फिर क्या सिम्प्लास्ट के थ्रू मूव हो जाता है, पहले एपोप्लास्ट होगा और फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप वहाँ पे आ जाएगी, तो वाटर अंदर की सेल की तरफ मूव कर जाएगा, फिर क्या अल्टीमेटली सिम्प्लास्ट हो जाएगा है ना, सिम्प्लास्ट मूवमेंट हो जाएगा। द वाटर मूव थ्रू द सिम्प्लास्ट एंड अगेंस्ट क्रॉस द वॉल है ना, उसके बाद वाटर जो होता है वो सिम्प्लास्ट हो जाता है, और फिर वो क्रॉस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और जाइलम ऑफ सेल, सेल की जाइलम में पहुँचता है ना, सेल की जाइलम में पहुंचता है। तो क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर है ना, रूट लेयर से
है ना, वाटर का मूवमेंट रूट रेयर से क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली मतलब अंत में, अंतता, अंतता का मतलब हुआ आखिरी में, अल्टीमेटली क्या हुआ वो कैसा हुआ, सिम प्लास्टिक हुआ, कैसा हुआ, सिम प्लास्टिक हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि अल्टीमेटली जो रोड में वाटर का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, तो हम बोलेंगे कैसा होता है, सिम प्लास्टिक होता है इन इंडोडर्मिस, है ना, इंडोडर्मिस में अल्टीमेटली जो इंडोडर्मिस अल्टीमेटली वाटर का मूवमेंट कैसा होता है रूट की, वो सिम प्लास्टिक होता है, ये बात याद रखेंगे। दिस इज ओनली वे वाटर, ये सिर्फ एक ऐसा तरीका है जिसमें वाटर एंड अदर सॉल्यूट इंटर करते हैं वास्कुलर सिलेंडर में, ठीक है, इसी के थ्रू क्या करते हैं, वाटर और अदर सॉल्यूट जो होते हैं वास्कुलर सिलेंडर में इंटर करते हैं, जहाँ पे क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है, वंस इनसाइड द जाइलम वाटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन द सेल एज वेल थ्रू देम, है ना, उसके बाद क्या होता है, जाइलम इंटर कर जाएगा, फिर वाटर फ्री हो जाएगा, फिर अपना वो किसी से अगेन फ्री हो जाएगा बिटवीन द सेल और फिर अपना मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। आगे क्या है, इन यंग रूट में क्या होता है, इन यंग रूट वाटर इंटर डायरेक्टली इंटू जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स, है ना, यंग रूट में क्या होता है, वाटर जो होता है इन यंग रूट वाटर इंटर करता है डायरेक्टली किसमें, डायरेक्टली जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स में, है ना, किसके थ्रू करता है, दीज आर नॉन लिविंग, ये जो ट्रैकेट्स और वेसल होती हैं क्या होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखेंगे कि जो यंग रूट में होता है वाटर इंटर करता है डायरेक्टली जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट में, जो कि क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग कंड्यूट्स, मतलब नॉन लिविंग कंड्यूट्स यानी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, है ना, ये क्या है, नॉन लिविंग कंड्यूट है, इसीलिए क्या बोलते हैं, जो पेप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग होता है और फास्ट होता है, है ना, दीज आर जो ट्रैकेट्स और वेसल हैं ये नॉन लिविंग कंड्यूट्स हैं, एंड सो पार्ट्स ऑफ एपोप्लास्ट, इसीलिए क्या है, ये एपोप्लास्ट का पार्ट है, क्या है, एपोप्लास्ट का पार्ट है, हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट किसका पार्ट है, तो हम बोलेंगे एपोप्लास्ट का, ठीक है। आगे क्या है, द पाथ ऑफ वाटर एंड मिनरल आयन इन टू द रूट वास्कुलर सिस्टम इज समराइज फिगर 11.7, हमको यहाँ पे वाटर और मिनरल का रूट के वास्कुलर सिस्टम में फिगर दिखाया गया है समराइज मैनर पे 11.7 पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, उस फिगर 11.7 को देखने से पहले 11.6 फिगर हम लोग देख लेते हैं जो मेरा छूट गया था, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें क्या बताया गया हमको, पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट रूट, यानी रूट में वाटर का पाथवे है ना, मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो हमको दिखाया गया है इपीडर्मिस होती है, इपीडर्मिस रूट के केस में इसको क्या बोल सकते हैं, इपीब्लेमा, क्या बोल सकते हैं, इपीब्लेमा, ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है, इपीब्लेमा बोल सकते हैं। इपीडर्मिस यानी इपीब्लेमा तो बाहर होती है, उसके बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस होता है, इंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल होता है, फिर वास्कुलर बंडल आ जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं, ठीक है, जाइलम आ जाएगा, मेनली वाटर की बात हो रहा है यहाँ पे, तो जाइलम ही कंडक्शन कराता है वाटर का, ठीक है। अब ये क्या होता है, प्लाज्मोडेसमेटा दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहे हैं, दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में कम्युनिकेशन कराएंगे, चीज़ों का लेन देन आदान प्रदान कराएंगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब ये क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी में होती है, एनिमल प्लांट में सभी में होती है, बट जो सेल वाल होती है वो सिर्फ प्लांट का करेक्टर है, आप समझते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एपोप्लास्टिक और सिम प्लास्टिक मूवमेंट जो था वाटर का, यहाँ पे बताया गया जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट था ये क्या, सेल वाल के थ्रू हो रहा था, नॉन लिविंग था, तो यहाँ से जो मूवमेंट दिखाया गया है ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट दिखाया गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आगे यहाँ पे कौन सी स्ट्रिप पाई जा रही है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जा रही है, जो कि ट्यूबेरियन की बनी हुई थी, ये वाटर को पास नहीं होने दे रही थी, तो वाटर की मजबूरी क्या है कि यहाँ पे एपोप्लास्ट वाला जो मूवमेंट था ये क्या, सेल की तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा, है ना, सेल की तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा, यानी सेल के अंदर आ जाएगा। अब अंदर आ जाएगा तो अंदर ये जो मूवमेंट दिखा रहा है, एरो जो दिखा रहा है, ये शो कर रहा है सिम प्लास्टिक मूवमेंट को, है ना, सिम प्लास्टिक पाथवे को शो कर रहा है। तो यानी रूट में क्या हुआ, अल्टीमेटली चीज़ें पहले तो सिंपल एपोप्लास्ट था, उसके बाद यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप आगे, चीज़ें आगे नहीं जा पा रही, वाटर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या वो इंडोडर्मिस में आ गया है ना, इंडोडर्मिस में आ गया। सभी बताया गया था कि जो रूट के केस में क्या होता है, जो अल्टीमेटली वाटर का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, सिम प्लास्टिक होता है इंडोडर्मिस में। इंडोडर्मिस में कैसा हो जाता है, सिम प्लास्टिक हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फिर सिम प्लास्टिक होगा, फिर चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, पानी कहाँ चला जाएगा, पेरिसाइकिल में चला जाएगा, ठीक है। ये था एपोप्लास्ट वाला, और ये जो एरो हमको दिखाए गए हैं बीच में, एरो सेल टू सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट होकर दिखा रहे हैं, ये कैसे हैं, सिम प्लास्ट वाले हैं, कैसे हैं, सिम प्लास्टिक मूवमेंट। और ये कैसे हैं, एपोप्लास्टिक मूवमेंट, ऊपर जो एरो हैं वो कैसे हैं, एपोप्लास्टिक मूवमेंट को दिखा रहे हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद चीज़ें
हिम प्लास्टिक से चली जाएंगी वास्कुलर बंडल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं 11.7 फिगर। 11.7 फिगर में हमको क्या दिखाया है, सिम प्लास्टिक, क्या दिखाया गया है, सिम प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट ऑफ रूट, है ना। तो इसमें क्या है, ये पाथवे कैसा है, सिम प्लास्टिक ये सीधा सीधा साइटोप्लाज्म से, सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होकर जा रहा है, ये कैसा है, सिम प्लास्टिक है। और एपोप्लास्टिक जो है ये कहाँ से, इंटरसेलुलर स्पेसेस से होकर जा रहा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस से होकर जा रहा है। और फिर क्या हुआ, ये सेल का क्या कॉर्टेक्स रीजन है, सेल का क्या है, कॉर्टेक्स रीजन है, सेल का कॉर्टेक्स रीजन दिखाया गया। अब ये जो स्ट्रिप पाई जा रही है, ये जो बैंड पाया जा रहा है, ये बैंड पाया जा रहा है कहाँ पे, एंडोडर्मिस में पाया जा रहा है, यही क्या था, कैस्पेरियन स्ट्रिप का बैंड था, ठीक है। जो सिंपल पाथवे में क्या हुआ, सेल वाटर जो जा रहा है सेल के बीचों में इससे जा रहा है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस से, है ना, सेल के बीच को क्रॉस नहीं कर रहा, इंटरसेलुलर स्पेसेस से, ये एरो इंटरसेलुलर स्पेसेस को शो कर रही है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये जाइलम हुए, वास्कुलर बंडल आए हैं जाइलम, और ये क्या हुए, फ्लोएम हुए। अब चीज़ें यहाँ से क्या होगा, पानी का एक्सपीरियंस स्ट्रिप अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सिम प्लास्टिक हो जाएगा, और भी चीज़ें जाइलम में चली जाएंगी, पानी जाइलम में चला जाएगा और पूरे प्लांट को सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये जो क्या होता है, पहले क्या होता है, सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, फिर क्या होता है, एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, फिर पेरिसाइकिल होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आगे क्या हमको बताया गया इसमें, अब आगे हमको कुछ और बताया गया है ना। ऐसे तो वाटर का एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट से मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं प्लांट में, उसके बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। सम प्लांट हैव एडिशनल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द हेल्प इन वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन, है ना। कुछ प्लांट में क्या होते हैं, एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो करते हैं वाटर का और मिनरल का क्या कराते हैं, एब्जॉर्प्शन कराते हैं, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल एक क्या बताया गया हमको, एग्जाम्पल एक बताया गया है माइकोराइजा, है ना। हम लोग माइकोराइजा के बारे में जानते हैं ना, माइकोराइजा क्या होता है, ये माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट सिस्टम, है ना। ये माइकोराइजा क्या होता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है, सिम्बायोटिक का मतलब होता है दोनों को लाभ होगा, है ना, दोनों को लाभ, दोनों को बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट, है ना, दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों चीज़ों को लाभ होगा। तो माइक्रोराइजा क्या होता है, ये फंगल एसोसिएशन होता है रूट ऑफ हायर प्लांट, है ना, हायर प्लांट की रूट में ये एसोसिएशन होता है फंगस का और हायर प्लांट की रूट का, है ना। इसमें क्या है, जो फंगल कंपोनेंट जो होता है, जो फंगल फिलामेंट होता है ना, फंगल फिलामेंट को क्या हम लोग बोलते हैं, फंगल फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, फंगल फिलामेंट को क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे, ये बात याद रखेंगे। फंगल फिलामेंट फॉर्म ए नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और दे पेनेट्रेट द रूट सेल, जो फंगल फिलामेंट होते हैं ये क्या करते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, अपने फिलामेंट का नेटवर्क बना लेते हैं यंग रूट के चारों तरफ, है ना, यंग रूट के चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेंगे और क्या करेंगे, पेनेट्रेट करेंगे रूट सेल को, और रूट सेल को क्या करेंगे, पेनेट्रेट करेंगे, यानी रूट सेल के अंदर घुस जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब क्या है, द हाइफी है वेरी लार्ज सरफेस एरिया, यानी जो फंगल का फिलामेंट होता है उसको हाइफी बोलते हैं, तो हाइफी में क्या होता है, बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है, तो लार्ज जिसमें लार्ज सरफेस एरिया होगा चीज़ें क्या करेंगी, वो अच्छा खासा उसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी, है ना। हाइफी है वेरी लार्ज सरफेस एरिया डेट एब्जॉर्ब मिनरल आयन एंड वाटर फ्रॉम सॉयल, है ना, जो कि लार्ज सरफेस एरिया होगा तो इसकी वजह से क्या होंगी, वो मिनरल वाटर सॉयल से एब्जॉर्ब कर लेंगी एंड वेरी लार्ज वॉल्यूम, है ना, बहुत लार्ज वॉल्यूम में वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेंगी सॉइल से, जो कि, है ना, जो कि शायद सॉइल मतलब चीज़ें सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगी, लार्ज सरफेस एरिया होगा इसमें, है ना, लार्ज वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया होगा, इस वजह से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेंगी, जो कि शायद रूट ना कर पाती हूँ, है ना, जो कि शायद रूट उतना मात्रा में एब्जॉर्ब चीज़ों को ना कर पाए, ठीक है। तो ये बताया गया है। अब आगे क्या है, फंगस प्रोवाइड, जो फंगस होता है ना, फंगल कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, फंगल प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर टू रूट, यानी जो फंगल कंपोनेंट होगा वो रूट को क्या करेगा, मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके रूट को देगा, ठीक है। और रूट बदले में क्या देगी, रूट बदले में फंगस को क्या देगी, क्या देगी, शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना, रूट क्या देगी, शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देगी, यानी खाना बना के देगी, ठीक है।
वो फंगस एब्जॉर्ब करेगा चीज़ों को, मिनरल और वाटर देगा रूट को, और रूट उसके बदले में उसको देगी शुगर देगी यानी भोजन देगी, और क्या देगी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देगी, ठीक है, टू माइक्रोराइजा यानी माइक्रोराइजा को देगी, ठीक है। सब प्लांट हैव ऑब्लिक एसोसिएशन। अब क्या हुआ यार, अब हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो देख लिया, ऑब्लिक एसोसिएशन क्या मतलब क्या हुआ, जीने के लिए जरूरी, क्या जीने के लिए जरूरी है ना, तू जीने के लिए जरूरी, ऐसा नाम गाना सुना है ना, उसी तरह है भाई, जीने के लिए जरूरी, इसके बिन तो मर जाएगा बंदा, जी नहीं पाएगा, है ना, बहुत प्यारा मोहब्बत इनमें, समझ रहे हो ना आप। सो सम प्लांट है ऑब्लिक एसोसिएशन, कुछ प्लांट में क्या होते हैं ऑब्लिक एसोसिएशन होते हैं विद द माइक्रोराइजा, है ना, माइक्रोराइजा के कुछ प्लांट होंगे, मतलब कुछ प्लांट माइक्रोराइजा के साथ में कैसे ऑब्लिक एसोसिएशन में होंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट, पाइनस सीड होता है वो कैस कौन सा सीड होता है, पाइनस सीड ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ऑब्लिक एसोसिएशन माइक्रोराइजा के साथ में कौन सा सीड शो करता है, तो हम बोलेंगे पाइनस का सीड होता है वो माइक्रोराइजा के साथ में ऑब्लिक एसोसिएशन शो करता है। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट, पाइनस सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता है ना, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेबलाइज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोराइजा, है ना, पाइनस सीड जो होगा वो अपने आप को जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और अपने आप को स्टेबलाइज नहीं करा पाएगा विदाउट प्रेजेंस ऑफ माइक्रोराइजा, जब तक माइक्रोराइजा नहीं होगा तो पाइनस का सीड अपने आप को जर्मिनेट नहीं करा पाएगा, ना ही अपने आप को स्टेबलाइज करा पाएगा, ना ही अपनी लाइफ सर्वाइव करा पाएगा, क्योंकि जो पाइनस होगा वो माइक्रोराइजा के बिन जीवित नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता, सीधा सा मतलब यही है। अब आगे क्या बताया गया हमको, वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट, है ना, अब वाटर मूवमेंट प्लांट में कैसे होता है ना, वाटर मूवमेंट प्लांट में कैसे होता है भी देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या है, क्या बताया गया हमको यहाँ पे, वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट, ठीक है, क्या है, वी लुक एट हाउ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, मैंने ये देख लिया कि प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा था सॉयल से, ये हम लोगों ने देख लिया, है ना, प्लांट वाटर कैसे एब्जॉर्ब कर रहा था सॉयल से, ये हम लोगों ने देख लिया। एंड मूव इन टू द वास्कुलर टिश्यू, और वास्कुलर टिश्यू में चीज़ें कैसे मूव हो रही थी और उसको पानी को कैसे वास्कुलर टिश्यू में भेज रहा था, ठीक है, वास्कुलर टिश्यू में क्या है, जाइलम आया है ना, हम लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि अच्छे से याद रख लो, बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। वी नाउ, अब हम क्या देखेंगे, वी नाउ हैव टू ट्राई द अंडरस्टैंड हाउ दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, अब हम क्या देखेंगे कि चीज़ें, भाई पानी तो एब्जॉर्ब कर लिया वास्कुलर रूट के द्वारा, ठीक है, और वो वास्कुलर बंडल में भेज दिया गया, जाइलम में भेज दिया गया, अब क्या हुआ वहाँ से चीज़ें कैसे, अब हम ये देखेंगे कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स में, है ना, यही देखना है अब हमको। इज, आगे क्या दिया गया, इज द वाटर मूवमेंट एक्टिव, क्या वाटर का मूवमेंट एक्टिव होता है ना, वाटर का मूवमेंट क्या एक्टिव होता है, स्टिल पैसिव, क्या पैसिव होता है, ये भी सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे चल के। सिंस द वाटर हैज टू मूव अप ए स्टेम अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना, वाटर जो मूव होता है स्टेम में, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना, अब स्टेम तो भाई इरेक्ट होता है इस टाइप का, ऊपर खड़ा हुआ, नीचे क्या हुई, ये ग्रेविटी हुई, तो यानी ये क्या हुई, ग्रेविटी हुई, अब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है यानी विपरीत दिशा में चीज़ें जा रही हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो उसके लिए क्या भाई एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो क्या एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एनर्जी कहाँ से आती है, सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। तो इसमें फर्स्ट हमको क्या दिया गया है, रूट प्रेशर, है ना, रूट प्रेशर के बारे में बताया गया है कि रूट प्रेशर क्या होता है, इसका रोल क्या है इसमें, उसके बारे में बताया गया हमको, ठीक है, रूट प्रेशर के बारे में हमको बताया गया है, रूट प्रेशर, ठीक है, देखते हैं। एज वेरियस आयन, है ना, एज वेरियस आयन फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन टू द वास्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट, है ना, जो वेरियस आयन यहाँ पे बोला गया, वेरियस आयन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट आयन, क्या बोला गया, डिफरेंट डिफरेंट आयन, है ना, डिफरेंट डिफरेंट आयन जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, सॉइल से एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं कहाँ पे, वास्कुलर टिश्यू ऑफ रूट, वास्कुलर टिश्यू ऑफ रूट में एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं। वाटर फ्लो, वाटर फ्लो क्या होगा, वाटर फ्लो, वाटर के फ्लो का यहाँ मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, वाटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट से मतलब है यहाँ पे वाटर फ्लो का, ठीक है। एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम, और क्या वो जाइलम में प्रेशर इंक्रीज करते हैं, है ना, जाइलम में प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द जाइलम, ठीक है, ये क्या हुआ, ये सब कैसे होता है ना,
ये सारी की सारी चीज़ें इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। आगे क्या दिया गया है, दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर, है ना। इस पॉजिटिव प्रेशर को क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। ये बात याद रखेंगे कि जो रूट प्रेशर होता है कैसा प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है। रूट प्रेशर कैसा प्रेशर है, रूट प्रेशर कैसा प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर, इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर ए स्मॉल हेड इन स्टीम। और जो रूट प्रेशर होता है ये पॉजिटिव प्रेशर होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वाटर को पुश करने में, है ना, वाटर को थोड़ी हाइट तक, थोड़ी ऊंचाई तक पुश करने में जो वाटर स्टीम में जाएगा, रूट से वाटर स्टीम में जाता है ना। सो रूट से वाटर, रूट प्रेशर जो होता है ये स्टीम में वाटर को थोड़ी हाइट तक पुश करने में हेल्प करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हाउ कैन, हाउ कैन, ये हम कैसे समझ सकते हैं भाई कि ये रूट प्रेशर भी एग्जिस्ट करता है ना। हाउ कैन वी सी डेट रूट प्रेशर एग्जिस्ट, हम ये कैसे समझेंगे कि रूट प्रेशर जो होता है, कैसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रूट प्रेशर भी पाया जाता है और ये काम करते हैं, ठीक है। चूज ए स्मॉल सॉफ्ट स्टेम प्लांट, है ना, एक हम क्या करेंगे, सॉफ्ट स्टेम प्लांट लेंगे, है ना, सॉफ्ट स्टेम प्लांट लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको लेंगे सॉफ्ट स्टेम प्लांट को, है ना। अब कब लेंगे उसको हम, जब एटमॉस्फेयर में क्या हो, व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, जब प्लांट में, सॉरी एटमॉस्फेयर में क्या हो, प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर, यानी एटमॉस्फेयर में क्या हो, मॉइस्चर, नमी हो बहुत सारी, है ना, नमी अच्छी खासी हो एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, कट द स्टेम हॉरिजॉन्टली, है ना, तो हम स्टेम को हॉरिजॉन्टली क्या करेंगे, कट करेंगे नियर द बेस, है ना, बेस से, मान लो ये लिया हमने, या स्टेम यहाँ ये लगा हुआ है, तो ये रूट है, ना, ये सब रूट हैं, ये रूट है। अब हम स्टेम को बेस से, यानी यहाँ से कट करेंगे हॉरिजॉन्टली, यानी कट करेंगे, है ना। तो हम क्या देखेंगे, जब स्टेम कट हॉरिजॉन्टली नियर द बेस विद शार्प ब्लेड, है ना, शार्प ब्लेड से कट करेंगे, सो क्या देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग है। ये हम एक्सपेरिमेंट कब कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हैं, तब, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर अच्छी खासी होती है और ट्रांसपरेशन कम होता है, यानी धूप नहीं होती है, तो वाटर लॉस कम होता है, तभी हमको ये चीज़ें अच्छी से समझ आएंगी, है ना, कि हम एक सॉफ्ट स्टेम का प्लांट, स्टेम प्लांट लेंगे और इसको हॉरिजॉन्टली शार्प ब्लेड से कट करेंगे अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, जब एटमॉस्फेयर में प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर हो, ठीक है। दिस कम आउट ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर, तो उसमें क्या होगा, हाँ, अर्ली मॉर्निंग में जब कट करेंगे तो क्या हम देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे कुछ ड्रॉप्स देखेंगे, कुछ ड्रॉप सोल्यूशन की ओज आउट हो रही हैं, बाहर आ रही हैं, कहाँ से, कटे हुए स्टेम से, है ना, कुछ ड्रॉप कटे हुए स्टेम से बाहर आ रही हैं, तो ये क्यों होती हैं, दिस कम आउट ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर, ये क्यों होती हैं, ये क्यों आती हैं, पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब हम अर्ली मॉर्निंग में एक सॉफ्ट स्टेम को कट करते हैं तो उसमें जो ड्रॉप वाटर की सोल्यूशन की ड्रॉप आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं, पॉजिटिव रूट प्रेशर की, निगेटिव रूट प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से, किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं, तो हम याद रखेंगे किसके, पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से, ठीक है। इफ़ यू फिक्स ए रबर, अगर आप उसमें क्या करेंगे, इफ़ यू फिक्स ए रबर ट्यूब टू द कट स्टेम एंड स्लिप टू यू कैन एक्चुअली कलेक्ट द मेजर ऑफ रेट ऑफ एग्जुडेशन एंड ऑल्सो डिटरमाइन द कम्पोजिशन ऑफ द एग्जुडेटेड, है ना। तो इसमें अगर आप क्या करेंगे, अगर उसी में आप एक रबर फिक्स कर देंगे, क्या लगा देंगे, आप उसमें रबर लगा देंगे, जो आपने स्टेम को काटा है उसमें क्या आप रबर फिक्स कर देंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, और उसमें कलेक्ट कर लेंगे, जो उसमें क्या करेंगे आप कलेक्ट, उसके उसमें जो जो सोल्यूशन आ रहा है उसको आप कलेक्ट कर लेंगे, है ना, एक्चुअली कलेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, रेट ऑफ एग्जुडेशन का मतलब होता है स्राव, क्या होता है, स्राव, है ना, जो चीज़ सोल्यूशन आ रहा है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे और उससे हम ये भी देख लेंगे उसके रेट को हम स्राव के, यानी स्राव यानी एग्जुडेशन के रेट को हम मेजर कर लेंगे, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो डिटरमाइन द कम्पोजिशन, और हम उसके कंपोजिशन को भी डिटरमाइन कर लेंगे, जो एग्जुडेशन निकल रहा है उसके कंपोजिशन को भी हम डिटरमाइन कर लेंगे कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज आल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, है ना। और रूट प्रेशर का हम इफेक्ट कब देख सकते हैं, नाइट में देख सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग में देख सकते हैं, है ना, नाइट में अर्ली मॉर्निंग में देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है,
इवेपोरेशन जो होता है यानी जो वाष्पोत्सर्जन होता है, इवेपोरेटिव वाटर लॉस होता है, तो वो क्या होता है, लो होता है ना। वाटर लॉस कम होगा प्लांट से, वाटर लॉस कम होगा तो हमको चीज़ें आसानी से अर्ली मॉर्निंग और नाइट में उसको वाटर के हम इफेक्ट को देख सकते हैं, रूट प्रेशर के इफेक्ट को देख सकते हैं कि इसमें वाटर कैसे कैसे निकल रहा है, यानी स्मॉल हाइट तक रूट प्रेशर कैसे वाटर को पुश कर रहा है, ठीक है। एंड एक्सेस और क्या है, एंड एक्सेस वाटर कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, है ना। अगर और हम इसमें अर्ली मॉर्निंग और नाइट में क्या देख सकते हैं, एक और देख सकते हैं हम कि वाटर कलेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट अराउंड द स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन, है ना। स्पेशल ओपनिंग ऑफ द वेन कौन कौन से, कहाँ पे, ग्रास ऑफ ब्लेड, यानी ग्रास जो होता है, घास होती है उसके ब्लेड पे हमने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग पे बूंदों के रूप पे, ओस के रूप पे जिसको ओस बोलते हैं, बूंदों के रूप पे आपको ड्रॉप वाटर की मिलेगी। तो वो क्या होता है, वाटर का इन द फॉर्म ऑफ किसके, ड्रॉप के फॉर्म में लॉस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं, है ना। लिक्विड फेज में वाटर का लॉस हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमको यहाँ बताया गया है कि इफेक्ट ऑफ अप रूट कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, अर्ली नाइट, नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में ऑब्जर्व कर सकते हैं जब इवेपोरेशन क्या हो, लो हो, ठीक है। एंड एक्सेस वाटर कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट अराउंड द स्पेशल ओपनिंग ऑफ द वेन, और एक्सेस वाटर आप कलेक्ट कर सकते हैं ग्रास के ब्लेड में, है ना, और मैनी हर्बेसियस प्लांट की लीव्स में, है ना, लीव्स के पार्ट में आप वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। किस टाइम में, सच वाटर लॉस, ऐसे वाटर लॉस को, सच वाटर लॉस इट्स लिक्विड फेज नोन एज गटेशन, और ऐसे वाटर लॉस को क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। गटेशन में वाटर किस उसमें फॉर्म में लॉस होता है, तो बोलेंगे लॉस इन लिक्विड फेज, है ना, लिक्विड फेज में वाटर लॉस होता है। आगे क्या बताया गया है, रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड द मॉडरेट पुश। रूट प्रेशर क्या करती है, सिर्फ मॉडरेट पुश प्रोवाइड कराती है, मतलब थोड़ा ही अपना योगदान देती है। रूट प्रेशर क्या करेगी, थोड़ा ही योगदान देगी, मॉडरेट पुश करती है, थोड़ा वाटर को स्मॉल हाइट तक पुश करेगी, ठीक है। मॉडरेट पुश इन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जो रूट होता है अपना सिर्फ एक मॉडरेट पुश प्रोवाइड कराती है ना, मॉडरेट पुश प्रोवाइड कराती है ट्रांसपिरेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में प्रोसेस में, ठीक है। क्या है, दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले ए मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट अप टाल ट्री, है ना। ये क्या है, रूट प्रेशर क्या करेगी, ये अपना मेजर रोल प्रोवाइड नहीं कराती है वाटर के मूवमेंट में टाल ट्री में, ये बात याद रखेंगे, ये स्मॉल पुश प्रोवाइड कराती है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इसका, रूट प्रेशर का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है किसमें होता है, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर मे बी टू री स्टेबलाइज द कंटिन्यूस चैन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द जाइलम विच ऑफ्टन ब्रेक अंडर द इनॉर्मस टेंशन क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रूट प्रेशर जो होता है ना, ये अपना एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन कराता है रिस्टेबलाइज करने में कंटिन्यूस चैन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, कंटिन्यूस चैन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, जाइलम में। अब क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर का लॉस फटाफट होता जा रहा है, वाटर का लॉस फटाफट निकलता जा रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लीव से वाटर लॉस हो रहा है। अब वाटर लॉस हो रहा है ज़्यादा मात्रा में, वाटर एब्जॉर्ब कम मात्रा में हो रहा है, तो क्या हुआ यार, वहाँ पे टेंशन डेवलप हो जाएगी, वहाँ पे टेंशन होने लगेगी, टेंशन डेवलप हो जाएगी, तो वाटर की जो चैन होती है, वाटर मॉलिक्यूल की जो चैन होगी वो उसका टूटने का डर रहता है। वाटर की मॉलिक्यूल चैन टूट गई तो जो उसका फ्लो है वो टूट जाएगा, तो वो रूट प्रेशर क्या करती है, नीचे से वाटर को स्मॉल पुश कराती है, वाटर को ऊपर थोड़ा थोड़ा पुश करेगी, वाटर को भेजेगी, तो वो चैन को रिस्टेबलाइज करती रहती है, चैन टूट नहीं पाती, इसकी वजह से इसका ग्रेट कंट्रीब्यूशन ये रूट प्रेशर का, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट क्या होता है, तो हम बोलेंगे रिस्टेबलाइज द वाटर मॉलिक्यूल की जो चैन होगी उसको रिस्टेबलाइज करेगी और इनॉर्मस टेंशन में उसको बचा के रखेगी, है ना, चैन टूटने नहीं देगी। आगे क्या है, रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्टेड मोस्ट ऑफ द मीड माई ट्रांसपोर्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ, रूट प्रेशर होता है वो ज़्यादा योगदान नहीं करता है कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना प्लांट को, उसमें ज़्यादा योगदान नहीं करता है, बट ये ज़्यादातर जो पानी ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू होता है, ये बात याद रखेंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द वाटर, जो वाटर की जरूरत होती है प्लांट को, वाटर की जरूरत होगी वो कहाँ, उसकी नीड पूरी कैसे होगी, ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा
पूरी होगी। अब आगे क्या दिया है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है ये हम देख लेते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है ये देख लेते हैं। डिप्सिट, डिप्सिट द अब्सेंस ऑफ हार्ट है ना, डिप्सिट द अब्सेंस ऑफ हार्ट और ए सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट, यानी प्लांट में हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं है ना, प्लांट में हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल में पाया जाता है, ठीक है, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल में पाया जाता है, बट प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी क्या है, द फ्लो ऑफ वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम इन ए प्लांट कैन अचीव फेयरली हाई रेट, फिर भी क्या होता है इसमें जो वाटर का फ्लो होता है ना, वाटर का फ्लो अपवर्ड ऊपर की तरफ हो जाता है, वाटर का फ्लो फिर जाइलम के थ्रू क्या होता है, प्लांट की इतनी हाइट ऊंचाई होती है फिर भी वाटर का फ्लो हो जाता है और एक हाई रेट में अच्छे खासे रेट में होता है, क्योंकि हार्ट नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, फिर भी वाटर का फ्लो जाइलम के थ्रू इतने हाई रेट में और इतनी ऊंचाई तक प्लांट में कैसे हो जाता है ना, ये एक समझने वाली जानने वाली बात है ना। अब इसमें क्या है, इसका जो रेट होता है अप टू 15 मीटर पर आवर है ना, वाटर का फ्लो जो रेट होगा वो कितना होगा, 15 मीटर पर आवर के रेट से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम में, ठीक है, जबकि इसमें क्या है प्लांट में कोई हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। हाउ इज दिस मूवमेंट एकम्प्लाइज्ड है ना, ये मूवमेंट कैसे होता है ना, ये मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में हमको देखना है। ए लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन, ये एक हमारे माइंड में लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन है कि यार प्लांट में क्या है हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं, फिर भी इसमें हाई रेट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू 15 मीटर पर आवर में है ना, और इतनी ऊंचाई पे हो जाता है, कैसे होता है ये समझने वाली लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन है ना। वेयर वाटर इज पुश और पुल्ड, कि वाटर पुश है या पुल्ड है, कि वाटर को खींचा जाता है या धक्का दिया जाता है, कि यानी प्लांट वाटर को अपनी ज़रूरत पूरी करता है खुद खींच के या फिर रूट प्रेशर पुश करती है उसकी वजह से, जो लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन है समझने वाली बात है। वेयर वाटर इज पुश्ड और पुल्ड थ्रू प्लांट है ना, वाटर क्या है पुश है और पुल्ड है, प्लांट के द्वारा पुश कर किया जाता है या पुल्ड किया जाता है, ये समझने वाली बात है। मोस्ट रिसर्चर एग्री डेट वाटर इज मेनली पुल्ड है ना, बहुत सारी खोजों ने बहुत सारे रिसर्चर्स ने क्या बताया कि वाटर जो होता है मेनली क्या होता है पुल्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाटर क्या है, वाटर क्या है, वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट, यानी प्लांट के द्वारा पानी खींचा जाता है, पुल किया जाता है, पुल का मतलब होता है खींचना, खींचना जब कोई चीज़ खींचेगा कोई चीज़ लेगा तो क्या निगेटिव, हम स्ट्रॉ से पीते हैं ना, स्ट्रॉ से क्या पीते हैं हम, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, तो एक निगेटिव प्रेशर लगाते हैं तभी चीज़ें ऊपर जाती हैं, तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। क्या आगे क्या बताया गया है, डेट द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीफ है ना, अब ये प्लांट बाई वाटर को खींचता है ना, प्लांट वाटर को खींचता है, तो प्लांट वाटर को क्यों खींचता है, कैसे खींचता है, तो क्या हुआ उसके लिए क्या, इसके जो ड्राइविंग फोर्स यानी वाटर को पुल करने के लिए फोर्स प्रोवाइड होता है वो कहाँ से होता है, ट्रांसपिरेशन से होता है, ट्रांसपिरेशन लीफ में होता है ना, जब ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस होता है वेपर फेज में वाटर का लॉस होगा तो वहाँ पे क्या टेंशन डेवलप हो जाएगी, टेंशन डेवलप होगी तो जाइलम होगा वहाँ पे पानी को रूट से खींचेगा, पानी को रूट से खींचेगा, पानी को कमी पूरी करने के लिए, प्लांट की कमी को पूरी करने के लिए वो पानी खींचेगा, पानी खींचेगा तो क्या है वो सक्शन प्रेशर यानी निगेटिव सक्शन प्रेशर लगाएगा है ना, तो जाइलम का प्रेशर कैसा होता है, निगेटिव होता है, ये बात याद रखेंगे कि जाइलम में जो प्रेशर होता है, जाइलम में कैसा प्रेशर होता है, जाइलम में जो कैसा होता है निगेटिव प्रेशर होता है, ये बात याद रखेंगे। फ्लोयम में कैसा प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है। रूट प्रेशर कैसा प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसा होता है, निगेटिव होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसा होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, ये बात याद रखेंगे। बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊँगा आपको, ठीक है। तो हमको क्या पता चला, जो वाटर होता है मेनली पुल्ड होता है, ठीक है, ये इसका फोर्स ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आता है, ट्रांसपिरेशन से आता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है, लीफ में होता है। आगे क्या बताया गया है, दिस इज रिफर टू एज द क्वेश्चन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल है ना, ये क्या हुआ क्वेश्चन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ये किसने दिया था, डिक्सन और जॉली साहब ने दिया था, ये बात याद रखेंगे। कब दिया था, 1894 में, कब दिया था, 1894 में, 1894 में डिक्सन और जॉली साहब ने, ठीक है,
डिक्सन और जॉली साहब ने दिया था ये मॉडल, कौन सा, क्वेश्चन टेंशन ट्रांसपेशन पुल मॉडल, ठीक है। बट व्हाट जनरेट दिस ट्रांसपेशन पुल, है ना, क्या है कि ट्रांसपेशन पुल जनरेट करता है। तो आगे क्या बताया गया हमको, आगे हमको यही बताया गया, वाटर इज ट्रांजिएंट इन प्लांट, वाटर क्या होता है, अस्थिर होता है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थिर, क्या होता है, वाटर जो होता है अस्थिर होता है प्लांट में, ठीक है। लेस देन 1% ऑफ वाटर रीच द लीफ इज यूज एज फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ, है ना, एक परसेंटेज से कम पानी कहाँ वाटर को रीच होता है लीफ में, है ना, 1% से कम पानी रीच होता है लीफ में फॉर फोटोसिंथेसिस, की लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए और उसके प्लांट ग्रोथ के लिए 1% से पानी कम पहुंचता है, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, मोस्ट ऑफ इट लॉस थ्रू द स्टोमेटा, ये इसमें ज़्यादातर लॉस हो जाता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है, लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं उनके थ्रू लॉस हो जाता है। अब लॉस हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस होता है, है ना। तो इसको ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, लीफ में होता है, लीफ में स्टोमेटा होते हैं हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन में, सीधी सी बात है। मोस्ट ऑफ इट लॉस थ्रू स्टोमेटा इन लीफ, दिस वाटर लॉस नोन एज ट्रांसपिरेशन, यानी जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है, ठीक है। लेस देन 1% फोटोसिंथेसिस के लिए और किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए पहुंचता है। अब आगे क्या बताया गया हमको, यू स्टडी ट्रांसपिरेशन इन अर्लियर क्लासेस, आपने ट्रांसपिरेशन के बारे में अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा और क्या किया होगा, इनक्लोजिंग ए हेल्दी प्लांट इन ए पॉलीथीन, और आपने हेल्दी प्लांट को एक अच्छा प्लांट लिया और इसको पॉलीथीन बैग में क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया, यानी इसको बंद कर दिया, है ना। और फिर क्या किया, ऑब्जर्व किया कुछ ड्रॉपलेट, आपने फिर देखा कि पॉलीथीन के अंदर कुछ वाटर की ड्रॉप बन गई है ना, पॉलीथीन के अंदर वाटर की कुछ ड्रॉप बन गई हैं। तो यू कुड ऑल्सो स्टडी, है ना, आपने एक तो ये देखा कि हेल्दी प्लांट को लिया और उसको पॉलीथीन बैग के अंदर भर दिया और कुछ समय बाद देखा कि उसके अंदर पानी की ड्रॉप बन गई, तो वो पानी की ड्रॉप क्या बनी, ट्रांसपिरेशन हो रहा था उसमें, है ना, तो वही पानी की ड्रॉप बाहर नहीं जा पाई, एटमॉस्फेयर में उड़ नहीं पाई, तो उसी के अंदर कलेक्ट हो गई, ठीक है। और इसके बाद आपने दूसरा देखा होगा, दूसरा क्या देखा होगा, यू कुड ऑल्सो स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम लीफ यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, है ना, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का जो कलर होता है एक्चुअल में वो ब्लू होता है, है ना। अब क्या हुआ, ये आपने देखा होगा वाटर लॉस होता है लीफ से, अब उसमें कोबाल्ट क्लोराइड पेपर यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है टर्न कलर ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर, जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होगा वो पानी एब्जॉर्ब करने पे कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। अब ये क्या होता है, ब्लू कलर से कैसा हो जाएगा, ब्लू तो इसको एक्चुअल में कलर था, अब ये जब पानी एब्जॉर्ब करिएगा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पिंक कलर का, कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता है जो पानी एब्जॉर्ब करने पे किस कलर का हो जाता है, तो हम बोलेंगे ये पानी एब्जॉर्ब करने पे पिंक कलर का हो जाता है, बस एक्चुअल में इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, बीपी, है ना, बीपी से याद कर सकते हैं, बीपी से यानी ब्लू से पिंक, यानी नीले से कैसा, गुलाबी, ठीक है, नीले से कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम ट्रांसपिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, सारी की सारी चीजें डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप यू लाइक माय सेशन, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड, एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल, सो आई प्रोवाइड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अबाउट सेक्शन ऑफ माय चैनल, तो प्लीज गो थ्रू अबाउट सेक्शन ऑफ माय चैनल, क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। तो आई होप यू विल अप्रिशिएट मी, सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे।